नमस्कार, सत श्री अकाल, आप सभी को मेरा आदाब है। आपके देश की हालत मैं नहीं जानता, पर मेरा देश तो आजाद है, आजाद है, आजाद है, आजाद है, आजाद है, आजाद है। स्वतंत्रता दिवस से शुरू करते हैं, जिसे हम इंडिपेंडेंस डे के दिन मनाते हैं। अरे भाई, 15 अगस्त, जिस दिन हम बहुत सीरियस हो जाते हैं। आजादी में बलिदान सबका बराबर था, तो क्रेडिट भी सभी बराबर डिजर्व करते हैं। तो चलो पता लगाते हैं कि क्यों हम इस दिन को सेलिब्रेट कम और क्यों ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं। अंग्रेज यूं ही थोड़ी सोने की चिड़िया से डर के भागे थे, क्योंकि हम अनेक थे पर एक ही चरखे के धागे थे। हम उनसे सीधा लड़ते तो हुकूमत उनकी हो भी सकती थी, पर विभीषण पे भी जो भरोसा कर ले, इतनी तो बस श्री राम में ही शक्ति थी। कि जहां लंका के 3 भाई हर साल सजा धजा के फिर बाद में जला दिए जाते हैं, अंग्रेज हैरान थे कि जलाने से पहले उनके माथे पे तिलक लगा दिए जाते हैं। रावण को जलाने से पहले जो देश 9 दिन अनाज नहीं बस फल खाता है, बारूद हम में भी बहुत है पर चूल्हा तो लकड़ी से भी जल जाता है। ऐसा नहीं कि मुझे अपने भारतीय होने पे घमंड हो गया, पर बाजू वाले देश का दिमाग अब दिमाग कहां, वो तो खैर उनकी बात कभी बाद में करेंगे। उनका आर्ग्यूमेंट अभी थोड़ा वीक है, बच्चों को इतना भी सर पे मत चढ़ाओ, कभी कभी पटक देना भी ठीक है। भारत की बेटियों ने इस लड़ाई में ऐसी लिखी कहानी थी कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। गांधी की अहिंसा के चर्चे जहां पूरी दुनिया में हो रहे थे, वहीं लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या धमाके हो रहे थे। अंग्रेज कहां अपने आप आए थे, वो तो हमें से ही किसी की गुजारिश हुई थी। वक्त लग गया उन्हें ये समझने में कि उनके साथ तो कोई साजिश हुई थी। असल बात तो कुछ और है, और ये थोड़ी क्रेजी भी हो सकती है, पर नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से जोड़ने वाली तो बस अंग्रेजी ही हो सकती है। अगर आप में से कोई विदेश गया है तो इट्स गुड फॉर यू, और बाकी जन जो अभी भी सबटाइटल से ही परेशान हैं, वी हैव बॉलीवुड फॉर यू। भुवन आज भी 144 पे नॉट आउट है। पहला मैच कहां था अंग्रेजों, इट वॉज रेप ऑफ यू। फॉर्म में आज भी नहीं आ पा रहे बेचारे, टू लॉस्ट इन द शेप ऑफ यू। जैगुआर कब टाटा की हो गई थी ये तो आपने गूगल भी करा होगा, लेकिन गूगल का सीईओ उसको भी गूगल ही करा होगा। अंग्रेजों को क्या मालूम कि शांति से हम कहां कहां इन्वेस्ट कर लिए हैं। मजाक की बात नहीं है दोस्तों, इनके नाक के नीचे हमने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिए हैं। आज भी जब अंग्रेज हमारे घर में आते हैं, हमारी मेहमान नवाजी देख कुछ सीख कर ही जाते हैं। अफवाह है दोस्तों कि भारत अपनी आजादी के लिए नहीं लड़ा था, भारत तो ईशान अवस्थी है जो शुरू में क्लास के बाहर ही खड़ा था। गुलाम तो हम थे ही नहीं, हम तो शुरू से ही खुद को आजाद आजाद पुकारते हैं। अंग्रेज हम पे राज करते थे, हम इस बात को पूरी तरह से नकारते हैं। जंगल की कहानी है कि सूरज यहां अब सवेरा होने पे ही ढलता है। ऐसे ही नहीं, जंगल का राजा बस रात में निकलता है। शेर शेर होके भी जमी पे है, आसमां को छूके तो बाज निकलता है। कि आजादी एक दिन मनाने में नहीं, उसको हर पल जीने का अंदाज सफलता है। जय हिंद।